चंद आंकड़े देता हूं आप, क्योंकि मोदी जी हमेशा युवकों को दिशाभूल करने के लिए और आजादी के बाद जो जनरेशन आया है उनको कहने के लिए वो हमेशा ये कहते हैं कि 60 साल में तुमने क्या किया। आज यहां 1947 से कुछ बातें बताई गई, अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो टू पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सार तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमने इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है, 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत 4.5 साल में 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6वें नंबर पर पहुंच गया। और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था। तो 60 साल में हमने ये किया। लिटरेसी रेट आजादी के बाद मैडम 16% था 1951 में, और 2014 में हम छोड़े तो 74% था। तो बड़ी या घटी? और दूसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 साल था और आज 70 साल 2007 का। मैं समझ नहीं पाता हूं, जिनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? पहले की तुलना में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भारत में आ रहा है। मेक इन इंडिया की ताकत मैन्युफैक्चरिंग के नए प्रतिमान प्रस्थापित कर रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। दुनिया का सबसे चौथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आज हिंदुस्तान है। फसलों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन आज भारत कर रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, सॉरी मोर्टेलिटी रेट 165 डेथ पर 1000 इन्फेंट्स होते थे, आज 38 है। और इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन की बहुत बात होती है, अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, वो AIBP को तो वन ड्रॉप मोर ड्रॉप, सो मेनी ड्रॉप्स नो क्रॉप, तो ये रहने दो। तो इरिगेशन, हरी क्रांति तो हमने लाई। जिस देश में एक अनाज का दाना नहीं मिलता था, लोग क्यों में क्या सर? देखिए, उस देश में हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार करके, और मैडम स्पीकर आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं,
22 मिलियन हेक्टर इरिगेशन था 1947-51 में, 68 मिलियन हेक्टर हमने 2014 तक बनाया। इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई, अपनी जड़ें जमाई हैं, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को भी वो चुनौती दे। एविएशन सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष में है, विरोध करना जरूरी है, विरोध करना चाहिए, मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, अच्छी बात है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं, इससे देश हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की क्या इज्जत बढ़ा रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आप मुझे पूछ रहे हो, यानी आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा। अच्छा है, मैं अपनी मर्यादा में रहूं, वही ज्यादा अच्छा है। That the RSS is a lot like the Muslim Brotherhood, and there's a storm in a teacup, I believe, in back home. So let me just make it clear. Both organizations were founded in the 20s. Both organizations believe in institutional capture. Both organizations view the electoral process as a means of capturing institutions. Muslim Brotherhood was banned after Anwar Sadat's assassination. RSS was banned after Mahatma Gandhi's assassination. So there are tremendous similarities. So by the way, the last one, and the most interesting one, women are not allowed in either of these organizations. This kind of denial is leading to a denial of justice. That is wrong in itself. It is also creating a huge problem politically in India and outside. As the new president of the Congress, a lot of people would look up to you to perhaps find a way of breaking out of this kind of knee-jerk denial. I don't know what knee-jerk denial you're talking about. I'm very straightforward. There's no confusion in my mind. If violence has been done against somebody, there is a legal process. That legal process must go on, and the people who have carried out violence against somebody must be punished according to the law. And I would support that 100%. I said in the earlier part of my speech that I am a person who understands violence. I do not believe in violence against anybody, regardless of religion, regardless of community, anybody. Consensus among pretty much all leaders of the opposition that the RSS is threatening the institutional order of India. They are systematically attacking organizations and putting their people into them. So we are defending that line. And nothing is going to come between us in defending that line. Conversations of leadership, who's going to lead, are going to happen after the election, after we have pushed the BJP and the RSS back.